विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान का सारांश प्रस्तुत है। अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। उनका जीवन चरित्र हर पाठक को प्रेरणा देता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े। अब्दुल कलाम रामनाथपुरम के श्वार्टर स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ के शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अय्यादुरै सोलोमन हर पढ़ने लिखने वाले और मेहनती छात्र के लिए आदर्श मार्गदर्शक थे और कलाम के छात्र जीवन में उनका विशेष स्थान है। कलाम एक मेहनती छात्र होने के कारण शिक्षक अय्यादुरै सोलोमन से उन गुरु शिष्य से बढ़कर संबंध बन गए थे। उन्होंने ही सिखाया कि जो पाना चाहते हो उसको हासिल करने की तीव्र कामना करो तो वह जरूर मिल जाएगा उसके प्रति निष्ठा और विश्वास तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। गणित सिखाने के लिए अपने शिक्षक रामकृष्ण अय्यर को श्रेय देते हैं। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली अर्थात त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां फादर टी एन सेक्यूरिया जैसे शिक्षक मिले और वे ही अंग्रेजी भी पढ़ाते थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। उनकी सहृदयता ने कलाम को प्रभावित किया तथा उनका धैर्य और ऊर्जा आश्चर्यजनक था। सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की। हॉस्टल में कलाम को शाकाहारी मेस का सचिव बना दिया गया। तब उन्होंने पारंपरिक व्यंजनों को बनवाकर फादर कैलाथिल को भोजन पर आमंत्रित किया। वे आए और हमारी इस योजना की उन्होंने भरपूर तारीफ की तथा सभी ने साथ मिलजुल कर खाना खाया, जिसके बारे में कलाम कहते हैं कि यह मेरे जीवन की और हॉस्टल की एक यादगार घटना है। आगे वे कहते हैं कि गणित के शिक्षकों प्रोफेसर थोथात्री अयंगार और प्रोफेसर सूर्य नारायण शास्त्री के साथ कॉलेज परिसर में टहलते हुए जो ज्ञान और अनुभव मिला वह जीवन की प्रेरणा है। सेंट जोसेफ कॉलेज के आखिरी वर्ष में अंग्रेजी साहित्य के प्रति कलाम आकर्षित हुए और टॉलस्टॉय स्कॉट और हार्डी को पढ़ा। इसके बाद दर्शन मतलब फिलॉसफी के प्रति आकर्षित हुए। उस पर बहुत काम भी किया इन्होंने। प्रोफेसर चिन्नादुरै प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने परमाणवीय भौतिक का ज्ञान कराया जो स्कूली ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक हुआ। ब्रह्मांड विज्ञान खगोलीय पिंडों के बारे में जानने में इन्हें बहुत आनंद आता था। अंतरिक्ष की चर्चा करते करते ज्योतिष से जुड़ जाना भी इन्हें बहुत रोमांचक लगता था। कलाम बताते हैं कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक में बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है कि पृथ्वी ही सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान ग्रह है, क्योंकि धरती पर आप कहीं भी जाओ सब में प्राण है, चाहे वह निर्जीव पत्थर चट्टान लकड़ी धातु या मिट्टी हो, सब में गतिशीलता है। कलाम जी ने सेंट जोसेफ कॉलेज में जब बीएससी कर रहे थे तब उन्हें उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बीएससी के बाद वे इतना समझ पाए थे कि उन्हें टेक्निकल लाइन में जाना है और भौतिकी विषय उनके लिए कोई अधिक रुचिकर नहीं है। उन्हें टेक्निकल लाइन में जाना है, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लिया, लेकिन फीस के लिए 1000 रुपए देने में समर्थ नहीं थे। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथों के कड़े और हार गिरवी रखा, प्लेज करके भाई की पढ़ाई की व्यवस्था की और कलाम ने भी ठान लिया कि वे अपनी कमाई से ही बहन के गहने छुड़ाएंगे और वे बस अपना सपना पूरा करने और बहन के गहने छुड़ाने के लिए जुट गए। MIT में उन्हें विमानों ने आकर्षित किया जो उड़ने की प्रणाली समझाने के लिए रखे गए थे और आकाश में घूमने उड़ने की इच्छा की तारीफ करते। मद्रास में पढ़ाई के 1 साल बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। नम्र स्वभाव होने के कारण कठोरता से अपने मत का दावा नहीं कर पाते थे, इस कारण कई बार उन्हें निराशा भी होती थी, लेकिन पिताजी के शब्द उन्हें प्रेरित करते थे। वे इस प्रकार हैं कि जब हम दूसरों से कुछ सीखते हैं तो केवल उनका सीखा हुआ ही सीख पाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने आप सीखता है तब वह कुछ नया सीखता है और वह उसका अपना होता है। आगे वे बताते हैं कि MIT में
तीन शिक्षकों से उन्हें विशेष वैचारिक दृढ़ता मिली। पहले हैं प्रोफेसर स्पॉन्डर, इन्होंने मुझे तकनीकी वैमानिक की गति की विषय पढ़ाया और यह भी समझाया कि जो भी पढ़ो उसे लेकर नौकरी कमाई की चिंता न करो, बल्कि जो विषय चुना है उसे मन लगाकर मेहनत से, उत्साह से और धैर्य के साथ पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरे प्रोफेसर KAV पनदलाई, इन्होंने उन्हें एरोस्ट्रक्चर डिजाइन एंड एनालिसिस विषय पढ़ाया और उनके पढ़ाने का तरीका हर बार नया और रोचक होता था। और तीसरे हैं प्रोफेसर नरसिंह राव, जो कि एक गणितज्ञ थे और उन्हीं की कृपा से वैमानिक की गति की समीकरण अर्थात एरोनॉटिकल डायनामिक्स इक्वेशन का हल निकालने में कलाम सफल हुए। इस तरह वे अपनी सफलता का श्रेय अपने तीनों शिक्षकों को देते हैं। आगे वे कहते हैं कि कोर्स पूरा करने के बाद इन्हें ऐसे लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया जो विमान नीचे आकर पास से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करे। वे कहते हैं कि मेरे चार और साथी थे, सबने अपना अपना काम संभाला। मैंने वायु गति की डिजाइन को तैयार करने और ड्राइंग की जिम्मेदारी ली। उनके डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम के काम को देखकर निराशाजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर अधिक समय और लगाया तो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। कलाम बताते हैं कि स्कॉलरशिप ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खाना पीना सोना सब कुछ भूलकर जुट गया और दिए गए समय में उसे पूरा कर लिया। यह प्रोफेसर श्रीनिवास ने देखा तो मुझे अपने गले लगा लिया। आगे वे बताते हैं कि MIT से विदाई के समय प्रोफेसर स्पॉन्डर ने विदाई समारोह में ग्रुप फोटो खिंचवाने के समय मुझे छात्रों की लाइन से बुलाकर शिक्षकों की लाइन में बिठाया और कहा कि मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम अवश्य शिक्षकों का नाम रोशन करोगे और तुम्हारा स्थान यहाँ है। विदाई देते वक्त उन्होंने मुझे अनेकों शुभकामनाएं दी और वे अपने सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ ही अग्नि की उड़ान का सारांश पूरा होता है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि अग्नि की उड़ान आत्मकथात्मक कहानी अब्दुल कलाम की मेहनत, संघर्ष और सफलता के मंत्र की कहानी है जो छात्रों को प्रेरणा देती है कि हर छात्र को पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए और जितनी योग्यता है उसे हमेशा बढ़ाते रहने का कार्य निरंतर चलना चाहिए। कलाम के व्यक्तित्व की सरलता, सादगी, मानवीय मूल्य अनुसरण करने योग्य हैं। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में सहसंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से तीन प्रश्न दिए जाएंगे सहसंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको दो के उत्तर लिखना है जो सात सात अंक के लिए दो प्रश्न होंगे, टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सहसंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप तीन में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग, प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ,
तो यह पंक्तियां किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है या लिखा जाएगा, और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं, और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियां जो पाठ है उससे आपको क्या संदेश मिलता है, और लेखक ने क्या संदेश दिया है, और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं, और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद 4th प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है, और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, और लेखक का नाम लिखेंगे, तथा 1 लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है, उन जितनी भी जानकारियां हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है, और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।